एक्साइटिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे, रोजे शोजे रख रहे होंगे, पकौड़े शकौड़े खा रहे होंगे, मज़े में होंगे यार। इसे मैं आई हूँ बड़े सिटी सेंटर में, हमने ग्रोसरी कुछ चीज़ें लेनी थी वो करने आए हैं काम, और कुछ गिफ्ट लेने थे, दावत थी तो वो लेने आए हुए हैं। तो अभी घूम रहे हैं, मौसम बड़ा मज़ेदार है, तूफान गए हुए हैं चीज़ें लेने। मैं ज़रा जो गिफ्ट लेने हैं वो चेक कर रही हूँ। इस वक्त हम हैं वूलवर्थ पे, थोड़ी सी चीज़ें लेने आए हुए हैं गिफ्ट वगैरह, तो देख रहे हैं। और इधर काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक कुछ लिया नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। घर के लिए एक दो चीज़ें ली हैं, लेकिन अब गिफ्ट वगैरह लेना है तो देखते हैं, जैसे कोई चीज़ पसंद आती है देख तो रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या जगह से आ गए। तो चीज़ें अच्छी तो लगी, लेकिन चॉइस पर रखी है कि शायद नेक्स्ट जगह से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। प्यारी समझ गई। और अपने लिए घर के लिए एक ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या पसंद आता क्या नहीं आता, चेक करें। जी गाइस, मॉल में हम आ गए हैं, चीज़ें देख ली हैं, लेकिन दिल करा पहले विंडो शॉपिंग कर ली जाए, लेकिन वो नहीं कर ली, पहले अपना काम करना है, रोज़ा भी है, घर जाके काम शाम भी करना है, तो चलते हैं देखते हैं क्या पसंद आता है, फिर आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी काम लेकर जाने नहीं सकते, लेट्स गो। इतनी चीज़ें देख ली है ना, डेकोरेशन भी देख ली, कितनी देखिए कितनी ज़्यादा है, लेकिन पसंद भी आ रही है, समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या लें, हर चीज़ ही अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि क्या लेना, क्या अजीबो गरीब बात मैंने किया, लेकिन वाकई में ऐसा ही है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो फोन भी अभी तक नहीं आए, चीज़ें मुझे पसंद तो आई हैं कुछ, लेकिन पता नहीं, अभी देखते हैं जब फाइनल करते हैं। हाँ जी, फाइनली कोई 10 से 15 मिनट के बाद ना, दो तीन चीज़ों पे ना मैं रुक गई हूँ कि हाँ ये हो सकता है। तो अभी बस उस्मान आ रहे हैं, और यार ये चीज़ भी अच्छी है, ये गिलास अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं इसमें कलर कैसा आ रहा है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं ये वाले, तो अभी देखते हैं, मुझे तो यार अच्छे लगे हैं, मतलब ये नहीं और दूसरी चीज़ें, तो अभी उस्मान आते हैं तो फिर डन करते हैं, फिर चलते हैं आगे को। गाइस फाइनली हमने अपनी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, जो भी हमने लेने थे, और एक हमने गिलास पसंद किए हैं, और दूसरी के पार्टी के लिए हमने क्या पसंद किया वो भी बस कुछ पसंद कर दिया, ठीक है वो। और वो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो किधर वो। जी फाइनली हमने चीज़ें अपनी रेंट कर ली हैं, वहाँ जा रहे हैं नीचे बिल करवानी है, और मैं जा रही हूँ लिफ्ट से, तो बस चलते हैं और मिलते हैं आपको, तो देख सकते हैं। यही होता है जब आपने किसी के लिए कुछ लेना हो, आपको समझ नहीं आती कि क्या करें, लेकिन पसंद करना पड़ता है ना यार। उसकी कलेक्शन यहाँ पे बहुत मज़ेदार किस्म की है, और सेल भी लगी हुई है, लेकिन नहीं लेने नहीं लेने, निकलो यहाँ से निकलो, और देखते हैं सामान कहाँ पे है। गाइस हम घर आ चुके हैं, और घर आके थके थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर नमाज वमाज पढ़ी असर की, और अब खाना शाना की तैयारी कर रहे हैं, तारी की कुरान को सुना दी है, और आलू अंडे बना रहे हैं, वैसे तो दाल बनानी थी, लेकिन यू नो दाल गोपड़ा, तो आलू अंडे बना दिए, और साथ अफतारी की चीज़ें बना रहे हैं, तो काम करते हैं। और अभी हमने काफ़ी काम खराब किया, अंडा एक टूटा हुआ था, और उसको तो गिराते गिराते दूसरा एक और अंडा हमने तोड़ दिया, काफ़ी हमने जो है ना काम काम किए हैं, तो अब बस मिलते हैं। जी फ्रोज़न में हमने क्या बनाना है, अभी हमने पकौड़े निकालने हैं, पकौड़े नहीं समोसे, और साथ वो नूडल्स कटलेट वो बनाए हुए, और साथ आज मेरा लोडेड फ्राइज खाने को दिल कर रहा है, लोडेड फ्राइज सॉसेजेस वाले, और क्या कहते हैं और क्या, और पास्ता बना हुआ वो खाएंगे। तो अब चीज़ें बनाते हैं जल्दी से, अफतारी में रह गया घंटा, तो अब चीज़ें बना के फिर आपको चीज़ें दिखा।
ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी हैं, ये आलू अंडे भी तैयार हो चुके हैं, ये हमारे वो फ्राइज लोडेड फ्राइज भी तैयार है। अब जाते हैं दिखाते हैं आपको। आज हमारे पास अफ्तारी में है मैक्रोनीज जो कल हमने बनाई थी, थोड़ी सी हमने स्लेंटी फ्राई कर ली, हमारा दिल कर रहा था, और ये सॉसेजेस लोडेड फ्राइज, ये हमने नूडल्स कटर तैयार किए और समोसे और संदर बनाए हैं, और बस अब 2-3 मिनट रह गए हैं, रोज़ा खोलेंगे साथ चांद तारा देखेंगे। ये इफ्तारी तो आप लोगों ने देखी, हमने कर ली है, और अब इफ्तारी के बाद एक ही चीज़ होती है जो फटाफट से मिल जाए, और वो है चाय। ये क्या कीड़ा। अच्छा तो क्या कहती मैं, हाँ चाय, और दिल करता है कोई बना के आपके सामने पेश कर दे, लेकिन नहीं नहीं आपने खुद ही बनानी है, खुद ही करना है सारा कुछ। तो चाय इस वक्त मैंने रखी हुई है, चाय पियेंगे, मैंने से चाय पी के सुकून मिल जाता, चाय पी के फिर थोड़ा सा काम शाम करेंगे, जो कोई किचन का होगा वो करके बस फिर सोने की तैयारी, सोएंगे तैयारी में उठेंगे फिर नेक्स्ट डे, और फिर वही रूटीन। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकें, और मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।